फाइनली अर्जी का अनार जला। तो गाइस दिए जल चुके हैं, अब हम इनको प्लेस करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अर्चनास चैनल। तो यहाँ पे अर्चना अर्जी बना रही है गरम के साथ गरम पकौड़े, और यहाँ पे मेरी मम्मी जिस पकौड़े बनाने में एक्सपर्ट है। देखो गाइस ऐसे बनाए जाते हैं पकौड़े, ठीक है? मम्मी है एक्सपर्ट। यहाँ पे अर्चना जी पूरी बना रही है, दोनों मिलके काम कर रही है, दोनों गुड गाइस। तो देखो गाइस, मेरी मम्मी ने इतना बड़ा भुजेला लाया है, ये लगभग 5 किलो का तो होगा, और ये हमारे गार्डन में लगा था। और वैसे आप दोनों क्या कर रहे हो? हम बड़ा बड़ी सड़ा तो नहीं हो गए? ना, मत मस्त लग रहा है यार ये, तो इसको तो काटने का मन नहीं कर रहा। हाँ अभी ऐसे लग रहा कच्चा ही होगा, जैसे फ्रेश, शायद बड़ा वाला बीज होगा ना ये। या होने नहीं देते पापा, हेल्प कर ना, हाथ मत काटना। कटिंग ऐसे लो करने लगे ना, फिर ये तो हमें को कटिंग ही नहीं आती। फिर हमें फौज में जाना पड़ेगा। फौज में आप कटिंग करने गए थे? काटने तो था, बुचर वाला डिपार्टमेंट तो नहीं मिला था आपको? ये कच्चा है ना अंदर से, सच में नाइस। प्लस सुसु मत कर देना। हाँ कद्दू नहीं है बेटा, वो ना पेठा है, पेठा। धो लिए जरा, ठीक है। मोटी बर्तन धो दे यार बहन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सभी को हैप्पी दिवाली। तो अभी मॉर्निंग में तो आपने हमारे घर का सीन देख ही लिया था, हमने पूरी और पकौड़े बनाए थे और नाश्ता वगैरह करके अभी हम सब बैठे हैं बाहर लॉन में, और पापा मम्मी बना रहे हैं बड़ी दाल की और पेठे की, है ना? और मोंटी मैडम सो के उठ रही हैं अभी। ओए नहा गई हूँ मैं आज, हम सब सुबह ही नहा गए थे वैसे। हाँ आधी नहाए हैं पर नहाए। हाँ जब बर्तन धो, और चाय का वेट कर रहे हैं। चाय बना कौन रहा? मम्मी। मम्मी तो काम कर रही, नहीं तो चाय, तब लाडला बेटा आएगा ना तब फिर चाय बनेगी, फिर अच्छा। डबल डबल काम हो जाएगा। सुबह से मेरे हाथ की चाय में सही बात है, कोई नहीं पीता मेरे हाथ की चाय, उल्टी आ गई सीधा। तो आज मन अंदर से प्रहान इतना इंटरेस्टेड रहता है सारे कामों में, जब से मैं प्रहान को उत्तरकाशी लेके आई हूँ ना तब से इसके इसने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, पता है मम्मी? वहाँ वो बस कमरे पे ही रहता था ना, तो उसने ज्यादा चीजें देखी नहीं थी, अभी हर चीज में ना वो करता है, हाथ बटाने आ जाता है। देखो गाइस मेरी मम्मी पापा और भाई बहन की मेहनत, इन्होंने अब बड़ी बना दी है दाल और भुजेले की मिक्स करके, अब 2-4 दिन में हो ही जाएगी खाने लायक। जितनी देर में ये लोग बड़ी डाल रहे थे उतनी देर में मैंने खाना बना लिया। सुबह का इतना हैवी खा रखा है तो सिंपली बनाया है कढ़ी चावल। हाँ। तो गाइस ये देख लीजिए आप मैडम, एक बहन जो ऐसे इनके साथ खेलती है, एक बहन जो ये सब करती है, जो कुछ इस तरह दिखती है, ये कैसे दिखती है मम्मी? आज लकी तो मम्मी और मैंने आज बहुत सारे पकौड़े बनाए हैं, ऑलमोस्ट हमने खा भी लिए, तो ये अब हम देंगे पड़ोस में। तो भाई मैं इसे पड़ोस में देके आती हूँ और उसके बाद मैं तैयार होंगी, तो मैं देके आती हूँ फिर मिलती हूँ। प्राण आप गिरोगे यार, तुम पहले दीपक लगा लो ना, इन दीपक को रेडी तो कर लो एटलीस्ट। वो कॉटन ना वो वाली मत रखना, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, नीचे से खोलना उसको ताकि वो खड़ी रहे, ठीक है? वरना जो बनी है ना उससे बनाना कॉटन। जो बनी तेरे मुँह में, ओके चलो ये दीपक तैयार करो तुम। मेरे सर में कोई पटाखा ना फोड़ दे मम्मी, मेरे सर में कोई पटाखा ना फोड़ दे। अबे हेल्प कर यार, तू तो खड़ा खड़ा देख रहा है बस। वो दिए ले गया।
हमारी बहन तैयार हो रही है, हमारी बहन साहब। बहन नहीं काम वाली भाई, जो भी हो रहा है सुबह से लेके अभी तक मुझे टाइम मिल रहा है। हाँ यार बहुत काम किया तूने। ओ सोई है, उठी है, तैयार हुई है, फिर सोई की बात में। तू लगा दे रहा मोंटी, ये हमारी मोंटी बहन कुछ काम करती है नहीं लेकिन फिर भी। हाय गाइस, अबे तेरे लड़की को। हाय गाइस, अभी अभी अब। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, प्लान फिर से। हाय गाइस, हाय गाइस, वहां का रख रही है। वे मोंटी ऐसे कर, जगह जगह बजा दिया वहीं पे जला उसको, पैसे से रखते रह। थाली क्यों रखती है? अरे थाली थाली लेके जाना। अरे इसको क्या हो गया? मम्मी रेडी हो जाओ। अंदर लेके जाओ, उसको डर लग रहा। मेरे पहन लो। जल चुके हैं, अब हम इनको प्लेस करेंगे। नाना फड़ेगा ना? आप फड़ेगी? तो नहीं, मैं इतने तुम्हें को दबाऊं मत यार, तुम लोग दबा देते हो मुझे। हैप्पी दिवाली गाइस। आप तो बच्चे लग रहे हो। मम्मी तुम्हें क्या आंटी लग रही हूँ? तू तो है ही बच्ची। मम्मी का मतलब ये है कि आज मैं पहले की जैसी अर्चू लग रही हूँ, है ना मम्मी? ला कैमरा दे दे, जिस दिन मैं अच्छी लगती हूँ उस दिन मेरे हाथ में कोई कैमरा नहीं देगा। मम्मी ये सूट कितना पुराना है गाइस? ये सूट हमारा 4-5 साल पुराना है। और ये भी, ये हाँ ये भी, ये मेरी सगाई का सूट है, ये मुझको तो अब कहीं से भी नहीं आएगा, है ना? बट देखो गाइस, प्रहान भी तैयार हो गया है। कैसे लग रहा है मेरा प्रहान? प्रहान हैप्पी दिवाली बोलो बेटा। और दिव्या आंटी को थैंक यू बोलो। गाइस ये कुर्ता इसको दिव्या ने दिया है, इसका बर्थडे गिफ्ट, और आज मुझे मौका मिल गया इसको पहनाने का तो मैंने पहना लिया, है ना? बोलो थैंक यू दिव्या आंटी। थैंक यू बोलो। थैंक यू, गुड बॉय, गुड बॉय, यू लुकिंग सो हैंडसम। टॉफी टॉफी नहीं, चलो पूजा करेंगे, चलो लेट गो। ओके बेटा, तो गाइस अभी हम पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे। दिस दिवाली डोंट ब्रस द पटाखा, बी द पटाखा। बी द पटाखा है ना बेटा? बी द पटाखा। तेरे को नजर न लगे किसी की नजर। बी द पटाखा, कौन लग रहा पटाखा? लक्ष्मी मैम हमारी। अभी फोड़ेंगे, चलो पूजा करेंगे, चलो 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 ठीक है। गाइस हम सभी रेडी हो गए हैं, यहाँ पे पूजे की तैयारी कर रही है, ठीक है। मम्मी भी हमारी रेडी हो चुकी है और हमारे पापा भी रेडी हो गए हैं, जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी कि रेडी होंगे, बट हो गए हैं फाइनली। माता श्री हमारी, और हम सब ने थोड़ा सा मतलब ट्रेनिंग करने की कोशिश करी है। मम्मी थोड़ा सा इसे लगे आ जा, मम्मी का सूट का कलर बस ये एक ही कलर है पर अलग अलग। ये पापा श्री भी रेडी हो गए हैं, और मस्त लग रहे हैं। Thank you.
चलेंगे बेटा पटाखे फोड़ने। अभी हम फोड़ने आ गए हैं पटाखे। अर्जी यहाँ पे कितनी सुंदर लाइट आ रही है, वाव। अर्जी आज हम यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं इस लकी केस से। इसमें बनाएंगे। यहाँ पे अभी पापा तैयारी कर रहे हैं पटाखे फोड़ने की और ये लकी चला गया। और गाइस आप उत्तरकाशी देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप भी बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू अर्जुन। यहाँ तक आ रहे भाई, इसीलिए मुझे डर लगती है पटाखों से बहुत ज्यादा। अबे यार क्या कर रहे यार ये लोग। ओ भाई साहब इधर मत डालना भाई यार। बाबू डरना नहीं है, ये देखो बम होगा अब। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। चप्पल भाई इधर मत फेंको यार। फाइनली अर्जुन ने हिम्मत करी कि वो अनार जलाएगी और घर भी साथ में। लड़िया देखो कुछ जलेगा तो नहीं ना, क्योंकि गांव में जब से हुआ है ना तब से बचपन की स्टोरी बताएगी अर्जुन। रान आप इधर आओ, क्या करूँ जलाओ। हाँ जलाओ, जलेगा तो नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, आ जाओ। फाइनली अर्जुन का अनार जला। गाइस मैं ना वैसे अनार पटाखे इसलिए नहीं जलाती हूँ, मैं बचपन में जैसे मैं जब 6-7 में थी होंगी उस टाइम तो हम गांव गए थे और मैंने गांव में ऐसे किया अनार जलाया, ऊपर पराल समझते होंगे ना, पराली पराली घास पराली सबको समझ आता है, वो रखा हुआ था। और भाई इसने ऐसे जला, ऊपर आग पूरे घर पे आग लग गई थी। तब से अर्जुन को ट्रॉमा पड़ गया उस चीज का। मैंने आज तक एक भी पटाखा नहीं जलाया, एक भी नहीं। बस तो हमने सारे पटाखे जला लिए हैं और आ जाओ बेटा गोदिया है ना। उत्तरकाशी आप देख सकते हो कितना सुंदर। हाँ थोड़ा चुप हो जाओ, तुम चुप नहीं। उत्तरकाशी आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम खाते हैं खाना और आज सुबह से तुम किचन में ही है। मुंह बंद करो, चढ़ा। तो आज सुबह से हम किचन में ही है और पूरी पकौड़ी सब खाया है, तो ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है। तो देखते हैं क्या बनाए, वो खाते हैं और चेंज करते हैं फिर सोते हैं। और हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को मेरे बेटे की तरफ से भी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बेटा, मेरे बच्चे हैप्पी दिवाली। तेरे फोन में, तेरे फोन में। तो गाइस खाना पीना खा लिया मस्त, सोचा था थोड़ा सा खाएंगे बट मम्मी ने इतना अच्छा खाना बनाया था कि ज़्यादा ही खाया है ना। और क्या बोलते हैं उसको, आज सुबह से इतनी पूरियाँ खा ली है ना कि अगले एक महीने तक पूरी खाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए है ना। और अभी चलो 10 बजने को आए हैं और अब आराम करते हैं, चेंज करते हैं। मैंने अपनी चोटी बना ली है और क्या बोलते उसको, मम्मी ने आज हेयर वॉश करने के लिए भी मना किया था तो हेयर वॉश भी नहीं करा मैंने आज, ना ही मॉन्टी ने ना ही मम्मी ने। आज कुछ ऑन से या पता नहीं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, बट मम्मी ने कहा कि हेयर वॉश मत करना वरना डाइन बनते हैं, ऐसे बोल रही थी मम्मी। तो फिर मैंने हेयर वॉश नहीं किया और खाना खा लिया है, अब सोती हूँ, मेकअप रिमूव करती हूँ।
है ना, और व्लॉग आपको कैसा लगा और आप लोगों की दिवाली कैसी रही कमेंट में बताना। होप दिस दिवाली आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और गुड लक लेकर आए, और व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट करना, ठीक है।